भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह से बदलेंगी अक्षरा सिंह। पवन सिंह के सामने चुनाव मैदान में उतरेंगी अक्षरा। बिहार में मच गया हाहाकार। पवन सिंह की पत्नी ने दिया अक्षरा सिंह को खुला समर्थन। कहा, दीदी के साथ मिलकर घमंड तोड़ दूंगी, उसने एक नहीं बल्कि दो दो जिंदगियों को बर्बाद किया। खेसारी लाल यादव भी देख कर रह गए सन्न। पावर स्टार पवन सिंह की अब बढ़ सकती है मुश्किल। आखिर क्यों भरी महफिल में फूट फूट कर रोने लगे पवन सिंह। बड़ी बड़ी गाड़ियां, 10-20 बॉडीगार्ड, आलीशान मकान, स्टेज शो के हीरो, भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार जिसके साथ सेल्फी लेने के लिए परेशान रहता है पूरा बिहार, उस पावर स्टार पवन सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी, अक्षरा सिंह ने मात्र 24 घंटे में कर दिया पवन सिंह के साथ बहुत बड़ा खेल। पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। पवन सिंह की रातों की नींद गायब हो गई है। ऐसा बवंडर आया है जिसके बारे में पवन सिंह ने सपने में भी नहीं सोचा था। अक्षरा सिंह के साथ पवन सिंह ने क्या कुछ किया और दोनों के बीच क्या कुछ रहा है, बिहार के बच्चे बच्चे को सारी सच्चाई पता है। लेकिन अब इसी बीच पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने ऐसा दावा कर दिया है जिससे पवन सिंह की रातों की नींद उड़ गई है। इतना ही नहीं, ज्योति सिंह ने अक्षरा सिंह के साथ मिलकर पवन सिंह को चुनाव में हराने की बहुत बड़ी तैयारी भी कर ली है। पूरी खबर आपको बताते हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने कैसे पवन की सच्चाई दुनिया के सामने ला दी है और इसीलिए पूरे बिहार में हाहाकार मच गया है। पवन सिंह पर लगातार ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि वो थोड़े रंगीन मिजाज हैं और इसीलिए उनकी पत्नी से उनके रिश्ते खराब हुए और बाद में उन्होंने अपनी पत्नी को कोर्ट तक पहुंचा दिया, जिसके बाद अब बात दोनों के बीच तलाक की आ गई है। लंबे वक्त से पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति से तलाक लेने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन अब पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने भी साफ शब्दों में पवन सिंह को कह दिया है कि वो किसी भी सूरत में उनसे तलाक नहीं लेंगी और उन्हें छठी का दूध याद दिलाएंगी। एक लोकल समाचार चैनल से बात करते हुए ज्योति सिंह ने कह दिया है कि वो पवन सिंह की धज्जियां उड़ा देंगी, जो बुरा काम उन्होंने उनके साथ किया है उसका चुन चुन कर बदला लेंगी। इस खबर से बिहार का बच्चा बच्चा हैरान है, क्योंकि पहली बार ऐसा है जब ज्योति सिंह ने इतने खुले तौर पर पवन सिंह के विरोध में ऐसी बातें रखी हैं। आपको ये बता दें कि पवन सिंह की एक पत्नी पहले भी मौत को गले लगा चुकी थी, जिसके बाद ज्योति सिंह से पवन सिंह ने शादी की थी। लेकिन ज्योति सिंह का ये दावा है, जब उनकी शादी हुई तो करीब 3 महीने तक वो उनके साथ नहीं बल्कि भोजपुरी की स्टार अक्षरा सिंह के साथ रह रहे थे। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया गया कि उन्होंने अक्षरा सिंह के साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए और अक्षरा सिंह प्रेग्नेंट भी हो गई थी। लेकिन पवन सिंह ने उस बच्चे को स्वीकार नहीं किया और बाद में बवाल मचने के बाद उन्होंने अक्षरा सिंह से भी दूरी बना ली और उनसे ब्रेकअप कर लिया। अक्षरा सिंह कई मौके पर पवन सिंह का जिक्र करती दिखाई पड़ती हैं, लेकिन खुले तौर पर वो पवन सिंह का विरोध करने से बचती आई हैं। मगर अब बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि अब अक्षरा सिंह ने चुनाव मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर ली है। ये खबर हवा हवाई नहीं है, बल्कि न्यूज चैनल आज तक से बातचीत में अक्षरा ने ये कन्फर्म किया है कि वो प्रशांत किशोर से हाथ मिलाएंगी और उनकी पार्टी जन स्वराज का दामन थामेंगी। इस खबर ने भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है। तहलका इसलिए क्योंकि खबर ऐसी आ रही है कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें बीजेपी के टिकट पर उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि अक्षरा सिंह को भी वहीं से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, जिसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि आरा में लड़ाई पवन सिंह वर्सेज अक्षरा सिंह हो जाएगी। सोशल मीडिया पर लोग ये दावा कर रहे हैं कि अक्षरा सिंह जरूर पवन सिंह से बदला लेने के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगे, और जिस तरह से अक्षरा सिंह के साथ पवन सिंह ने खेल किया और अपनी बीवी के साथ भी उन्होंने डबल गेम खेला, वहां की जनता पवन सिंह को बुरी तरह से हराने के इंतजार में बैठी है और हर कोई अक्षरा सिंह के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक दोनों के चुनावी मैदान में आमने सामने की लड़ाई का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर दोनों आमने सामने हुए तो बाजी कौन मारेगा? कमेंट में बताना ना भूलें।